गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। इसके पहले हम लोग क्लास टू के मैच में विदाउट बोरो पढ़ चुके हैं, बिना हासिल का घटाव। आज हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन विद बोरो, मतलब हासिल का घटाव। तो देखिए, सबसे पहले हम जो क्रिया करते हैं, वंश की क्रिया करते हैं, फिर टेंस की क्रिया करते हैं, फिर हंड्रेड की क्रिया करते हैं। इस क्रम से हम लोग बढ़ते जाते हैं। तो वंश में देखिए, 82 माइनस 38, मतलब 82 में 38 को हमको माइनस करना है, यानी घटाना है। तो देखिए कि ऊपर 2 है और माइनस 8 करना है, यानी 8 इज ग्रेटर देन 2, यानी 2 से 8 की संख्या अधिक है। इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि घटाव की क्रिया में अगर नीचे की संख्या अधिक हो तो हम ऊपर की संख्या को घटाने के लिए एक हासिल लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, एक पैसा लेंगे, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0। अब 12 माइनस 8 इज इक्वल टू हो, देखिए यहां है 7 और माइनस कितना करना है 3। तो 7 माइनस 3 माइनस 4। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहां है 0 और माइनस करना है 1। 0 में से माइनस 1 नहीं घटाया जा सकता, इसलिए हम क्या करेंगे, इससे एक बोरो लेंगे, कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 8। अब 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। अब टेंस की क्रिया करेंगे, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। और तीसरा एग्जांपल देखिए, 963 माइनस 774, इसमें से इतना माइनस करना है। तो पहले हम वंश की क्रिया करेंगे, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड हम टेंस की क्रिया करेंगे और थर्ड में हम हंड्रेड की क्रिया करेंगे। तो 3 माइनस 4, यानी आप देख रहे हैं कि 4 बड़ा है, 3 से इसमें माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसे एक उठी लेंगे, बैरो कितना हो जाएगा 13, ये 13 हो जाएगा, ये कितना होगा 5। अब 13 माइनस 4, 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 9, ये कितना बचा 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 यानी 5 से 7 बड़ा है, अधिक है, इसलिए अब माइनस नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे, इससे एक लेंगे, तो कितना हो जाएगा 15, ये कितना बन जाएगा 8। तो 15 माइनस 7 कितना बन जाएगा 8। अभी है 8 माइनस 7, ऊपर की संख्या अधिक है, नीचे की संख्या कम है या घट जाएगा, तो 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से हम घटाव करेंगे। अब उसी के आधार पर कुछ इधर आपको मिला है, इसको आप अभ्यास कीजिए, इसको घर पर बनाइए और बार बार पढ़िए, और स्कूल में किताब आ चुका है, आप किताब ले लें और किताब के माध्यम से अगर पढ़ाई आप करते हैं तो धीरे धीरे आप आगे बढ़िएगा। उसमें अभ्यास दिया हुआ है, उसमें चैप्टर बाय चैप्टर बताया गया है और यहाँ से भी बताया जा रहा है, आपको बहुत अधिक लाभ होगा। इसी थैंक यू।